जहाज में पलटनिया बनी आया पिया ले ले आया हो पिया ले ले आया हो पिया टीकवा बंगाल के पिया तो आ गए हैं आज। हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गिफ्ट तो दमदार होगा ही, और अभी शाम का वक्त हो चुका है, मैं नहा लिया हूँ। सुबह से लाइट नहीं आया था इसलिए मैं नहा नहीं पाया था, तो लाइट आया उसके बाद से मोटर चला धड़ाधड़ करके हम नहाए। तब तक लाइट फिर से देख सकते हैं बोर्ड में कटा हुआ है, यानी कि लाइट कट गया। तो यही है कि गर्मी से बहुत बुरा हालत हो गया है हमारा, लेकिन फिर भी आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और मैं बहुत लोगों का वीडियो भी देखता हूँ जो कि हम लोगों से रिलेटेड वीडियो बनता है, उनको बस इतना ही कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा प्यार से मुझे बताया मेरे बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को बिना किसी देरी के, और मम्मी तो बात ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्राई मारेंगे। पापा जी से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको जाना है मार्केट से कुछ लेना है। ये देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अभी का टेम्परेचर दिखाते हैं, लगभग 7 बजने वाला है, और 7 बजे का सिवान का टेम्परेचर अभी है 38, ठीक है, अभी शाम 7 बजे का ये हाल है 38 डिग्री सेल्सियस। तो यही हालत है हमारा सिवान में, और सब जगह का यही हालत होगा हमको पता है, बस बारिश का इंतज़ार हो रहा है सबको। बारिश के आने से मेरे भीग जाने से तड़पना दिल को तेरा, पता नहीं। चलिए गाइस गिफ्ट का इंतजाम किया जाए। तो चलिए गाइस, शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पे सबके लिए चाय बनाया जा रहा है। सर वो यही स्मेल कर रहा था, तो जितने भी पहले तो मम्मी पापा सबके लिए बनाया जा रहा है। ये कप मम्मी का है और पापा जी और जितने भी काम करने वाले हैं हम लोग के घर में, उन लोगों के लिए भी। यहाँ पे रंजना क्या कर रही है, चाय बना रहे, बोले चाय बना कर दे देते। क्या लगता है लाइट आएगा आज? आज हटा दो, अच्छा जल्दी से हटा दो, ठीक है। कहाँ जा रही हो? यहाँ से वो खुल रहा है सेंटिंग, यहाँ से अचार पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, इसको पता है मुँह में तो पानी हो गया। अच्छा से ब्रश साफ कीजिएगा, ये मेरी ब्रश वाला अच्छे से साफ कीजिएगा लो, हाँ ये वाला, वो वाला तो बेकार हो गया कदम। हाँ, उसको भी ऐसा कुछ कर देते, कुछ भी काम में नहीं आएगा वो, अब वो जोन खराब हुआ है पहले वो डाल दिया था, पहले थोड़ी होता है इतना अच्छा। वो महंगा बोले कि हो जाएगा पूरा घर का, उसमें ले जाइए। तो चलिए ठीक है, लाइए। तो गाइस यहाँ पे मम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय आ गया है, और गर्मी है ना इसलिए तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है। मम्मी आप ना एक गोल वाला बड़ा सा टीका कर दीजिए, जैसे एक सिंगर है ना वो शायद पान खाती हैं, हाँ वो वैसे ही करती हैं। एक तो गाना उनका याद है कोई, कौन सा गाने, निमिया के डार भैया कांचे ही बासे के भंगिया, तो पनिया के जहाज में पलटनिया बनी आया पिया ले ले आया हो पिया ले ले आया हो पिया टीकवा बंगाल के पिया तो आ गए हैं आज इसीलिए गा रही हैं आज, पापा जी आ गए हैं इसीलिए। भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन है सॉन्ग का, और पूरा देख ले अलग ही चमक इनके में दिख रहा है आज। हम हमेशा चमकते रहते हैं। नहीं मम्मी आज वापस आए तो खुश लग रही है, वही मेरा जिंदगी है, वो है तो हम है।
तो हाँ, मैं तो वो है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं थे तो हम बेसहारा हो गए थे। छह दिन के अंदर एकदम बेसहारा हो गए थे। उसमें कुछ भी बोलती है मम्मी, उसमें भी हमको धमकी मिल रहा है कि चल जाएंगे। ए भाई जाओ ना। अब तो सब लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आ गया चाय और पानी, आप लोग ये पीनी। अच्छा लगता है, सब लोग अच्छा रहता है तो सब लोग खुशी रहता है। अब कल हमारी आ जाएगी छुटकी और लड्डू बिकराएगा। क्या हुआ? अब आपकी ननद जी आ रही है कल। हाँ, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करें। शादी में ही मिले हैं, वीडियो कॉल के बाद शादी में ही मिले हैं हम लोग। बाकी आपसे वीडियो कॉल बोल रहे हैं, ऑडियो कॉल से शायद बात हुआ था कि वीडियो कॉल। 6 महीना पे आ रही है, 6 महीना 6 मंथ 6 मंथ पे आ रही है। चलिए अच्छा है, अब देखते हैं कि कल शायद पार्लर जाने वाली है रंजना। 6 महीना में आएगी, 6 दिन नहीं रहेगी, पता नहीं अभी नहीं रहेगी, टिकट हो गया है जाने का। और गाइस, हमारे घर में बहुत बड़ा शादी होने वाला है, अभी तो नहीं है, सबके बारे में जिक्र करेंगे, पहले ये सब खत्म हो जाए उसके बाद बताते हैं। हाँ ना जी, हम अपना बुलाओ बताएंगे। प्रिंस को चिढ़ा देते हैं थोड़ा। प्रिंस इतना गरीब हो गया ना गाइस, हम भी बोलना चाहते। यहाँ पे रंजना अभी नींबू पानी बनाई हुई थी, तो दिखा सकती हैं आप? तो गाइस, इसके पीछे चूहा है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर बेड पे हैं और यहाँ पे रंजना बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो हम बोले हैं कि इसको हटाओ। तो गाइस, अभी रात का वक्त है और कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, लाइट ही कट गई, यही हो रहा है। दो मिनट के लिए लाइट आता है, 2 मिनट इधर भेजता है, 2 मिनट गांव में भेजता है। गांव वाला भी नहीं सो पाता है, दिन यार यहाँ वाला भी नहीं सो पाता है। इसी दो मिनट के लिए आ रहा है। तो रात में तो पूरा गोल रहता है, रहता है। तो यही है हम लोगों का तो सिवान का हाल, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम आए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, बहुत ज़रूरी था ये वाला, जो है ना पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो सोचे कि ये वाला ले लेते हैं। और ये दुकान है जो कि हमारा ही दुकान है, गुप्ता ट्रेवल्स कर, गुप्ता पूरा क्या नाम है, हार्डवेयर मानिए है, और यहाँ सब सामान मिलता है, और यहीं से मेरा सारा सामान भी जाता है, जितना भी पेंट वेंट का हो रहा है सामान। तो ये सिर्फ मंदिर के पास नहीं है, उधर मंदिर होगा, शिव मंदिर है इधर, तो आप लोग भी आके ले सकते हैं सामान। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे मैं कुछ सामान लाया हूँ जो कि है पानी पूरी। तो रंजना का मन कर रहा था आज खाने का, ये सब सामान लाया है, थोड़ा सा एक हैंगर नहीं है हमारे लिए ना, अभी हैंगर लगवा लो, इधर ही लड़ता है, एक लगाएंगे बस, बाकी रख देंगे। हैंगर कबाड़ी के पीछे लगवाना था। तो गाइस, यहाँ पे रंजना का मन पसंदीदा चीज आया है, लेकिन यहाँ पे आज क्या बन रहा है रंजना? सब्जी किस चीज का है? नेवड़ा और चपाती। ये कब खाइएगा? थोड़े देर में। मेरे छत का पानी गिर गया था, ये थोड़ा पानी इस पर छोटे छोटे कम कर देते हैं।
तो गाइस हम लोग छत पे सोने आए थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ है कि समझ भी नहीं आ रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं नीचे एक चौकी लगाएंगे, उसी में जाकर सोएंगे, क्योंकि इन्वर्टर भी जवाब दे दिया है अब। हम सोच रहे हैं ना मम्मी, टेल्स वाला के पास भी हवा आता होगा तो हम अरंजना उधर ही सो जा रहे हैं लोग। हाँ नहीं होगा तो वहाँ से कर लेते हैं। एक वो है और मच्छरदानी, तुम्हारा मच्छरदानी जो मिला था कहाँ है? हम जाके उधर मैनेज कर ले रहे, उधर ही सोएंगे हम। आई बाबा सब लोग, हाँ सब लोग आ जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मम्मी बैठी हैं और इधर पीछे रंजना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म, क्योंकि ये हमको लगता है बहुत जगह ऐसा माहौल हो गया होगा, लाइट कट गया है ना, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दो मिनट के लिए लाइट आता है और पाँच मिनट दस एक घंटे के लिए काटते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं अभी तो नहीं। चैनल जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो खूब ढेर सारा लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो हमारा और कितने समय में देख रहे हैं, बस इतना ही कमेंट कीजिए। चलिए अब जा रहे हैं थोड़ा पसीना वसीना पोंछने, तब तक आप लोग अपना अच्छा सा गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो भी वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय।